हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पाएं होमगार्ड जवानों से संबंधित सभी प्रदेशों की सभी खबरें। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि होमगार्ड के आश्रितों को मुआवजा में होमगार्ड में नामांकन। डीआईजी ने कहा और होमगार्ड को मिले क्वारंटाइन अवधि का मानदेय। दोस्तों, होमगार्ड जवानों को क्वारंटाइन अवधि का मानदेय मिलेगा, वहीं होमगार्ड सैनिकों को मिली राहत, सेवाएं नहीं होंगी स्थगित। तो दोस्तों, चलिए खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से कि होमगार्ड सैनिकों को मिली राहत, सेवाएं नहीं होंगी स्थगित। मध्य प्रदेश में होमगार्ड सैनिकों के सिर से ये सेवाएं स्थगित होने की तलवार भट गई है। जी हाँ, होमगार्ड सैनिकों की राहत की खबर सामने आई है। शिवराज सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर तक सेवा बाध्यकाल स्थगित रहेगी। इसका फायदा 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मिलेगा। बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए होमगार्ड सैनिकों की सेवाएं निरंतर रखने का फैसला लिया गया। इस बारे में मीडिया में चर्चा में डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान होमगार्ड सैनिकों को क्वारंटाइन सेंटरों में मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। आगामी वक्त में भी इनकी सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रबंध लिया जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर कि होमगार्डों में मिलेगी क्वारंटाइन अवधि का मानदेय। बाराबंकी से दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग में होमगार्ड कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभाले हुए हैं। विभाग की भूमिका को देखते हुए प्रमुख सचिव ने होमगार्डों को ड्यूटी के चलते क्वारंटाइन होने पर भी उस समय का मानदेय देने का आदेश दिया है। जिला होमगार्ड कमांडेंट एपी सिंह ने बताया कि अपने जिले से नहीं लेकिन तमाम प्रांत एवं जिलों से श्रमिकों को बसों से पहुंचाने के लिए होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके विशेषकर होमगार्डों को भी निर्धारित समय अवधि के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रदेश में इस प्रकार के ड्यूटी के दौरान क्वारंटाइन होने वाले होमगार्ड जवानों को राहत दी गई। इसके अनुसार उन्हें क्वारंटाइन अवधि का मानदेय भी दिया जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर कि होमगार्ड के आश्रितों को मुआवजा एवं होमगार्डों को नामांकन। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है गया से। गृह रक्षा वाहिनी के उप महानिरीक्षक पंकज सिन्हा ने कहा है कि गया जिले के अंतर्गत गुरुवार को देर रात सड़क हादसे में मारे गए 2 होमगार्ड के आश्रितों को सरकार द्वारा तय सभी आर्थिक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डीआईजी पंकज सिन्हा ने हिंदुस्तान समाचार से शुक्रवार को बात कर रहे हैं। डीआईजी पंकज सिन्हा के अनुसार दोनों होमगार्ड घटना के समय सरकारी ड्यूटी पर थे। ऐसे में सरकारी प्रावधान के अनुसार दोनों होमगार्ड के आश्रितों को सरकार द्वारा तय मुआवजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डीआईजी ने बताया कि प्रत्येक होमगार्ड के आश्रित को 4 लाख रुपये में एक आश्रित को होमगार्ड के नामांकन का अंतिम संस्कार के लिए एक राशि मुहैया कराई जाए। तो दोस्तों, ये रही बड़ी खबर सभी प्रदेशों से सभी होमगार्ड जवानों के लिए। दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कमेंट भी करें आप किस प्रदेश से, ताकि वहाँ की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देने में आसानी हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।